तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं आपकी दोस्त उषा पटेल। आज देखो, मैं अपने नेबर, मेरे पड़ोसी हैं, उनके यहाँ आई हूँ और उसका प्लांट दिखा रही हूँ। तो इसका प्लांट दिखा रही हूँ तो देख सकते हो आप इसके एडेनियम में कितने ढेर सारे फूल आए हैं। अब ये तो फूल आए काफ़ी टाइम हो गए, नहीं तो यहाँ डार्क एक हल्की सी ब्लैक लिट्टी भी आती है। तो ये मैं आज ये प्लांट दिखा के ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरे पड़ोसी कोई भी केमिकल खाद यूज नहीं करती है, खाली वर्मी कंपोस्ट, वो भी साल में एक बार। और उनका ये प्लांट पूरे धूप में पड़ा रहा है, अभी तो कल बारिश हुई है इसलिए वो गीला है, नहीं तो ये पूरा साल भर से यही प्लांट पूरा धूप में ही पड़ा था। फिर भी उसमें नहीं कभी कोई कोडेक्स गीला हुआ। वो पानी भी इतना कम डालती है, कभी कभी तो हम बोलते हैं कि बहन पानी डालो, आपका प्लांट वो सूख गया है, तभी वो कहीं तो पानी डालती हैं। तो मैं और यहाँ बहुत दूसरा भी उसका एडेनियम का प्लांट है, वो भी देसी वाला है, वो वाइट है। और ये हम जो खाद यूज़ करते हैं केमिकल वाली खाद यूज़ करते हैं, और ये बिना केमिकल खाद यूज़ करके भी अपने प्लांट में फूल खिलाती है। इतने ढेर सारे गुस्से में फूल आए हैं। और उसका ये प्लांट देखो, इसका कोडेक्स भी कितना छोटा है। और एक साल ही हुए है नर्सरी से लाए, एक साल ही हुए हैं। और इसने मिट्टी भी ऐसी कोई वेल ड्रेन मिट्टी नहीं बनाई, उसने हमारे यहाँ जो गार्डन सॉइल है उसी में उसने प्लांट को रिपोर्ट किया है। और पूरा गमला भी ऐसा बड़ा है, ऐसा नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो कि नॉर्मल गार्डन सॉइल में बिना केमिकल खाद यूज किए भी उन्होंने कितने ढेर सारे फूल खिलाए हैं। तो आज का मेरा विषय था कि बिना केमिकल खाद के भी हम एडेनियम में फूल ला सकते हैं। तो मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके बताना। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।